मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, इन पे ध्यान दे रहा है। और अगर तुमने शुभ वेलकम एक रॉकर्ट्स माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बारिश में भीगने पर भी फेंग साक्षी के बारे में कुछ नहीं बोला था। दोनों ने मिलकर आर्ट एग्जीबिशन के चीफ गेस्ट को खूब पेल दिया था और फेंग भी नशे में था और साक्षी उसको लेकर घर लेके गई थी। अब एट्थ पार्ट की शुरुआत में सुबह फेंग को याद आता है कि कल रात वो नशे में था और साक्षी उसको घर पे लेके आई थी। वो बहुत ही कंफ्यूज होता है कि मेरी ड्रेस किसने चेंज की होगी। तभी बाथरूम से आवाज आती है तो फेंग को लगता है कि साक्षी अंदर है। लेकिन कुछ देर बाद फेंग का असिस्टेंट बाथरूम से बाहर आता है। वो बताता है कि कल रात आपको यहाँ छोड़कर साक्षी घर चली गई थी, नशे में आपने उल्टी भी कर दी थी और आपकी ड्रेस बहुत ही गंदी हो गई थी, इसलिए साक्षी के कहने पर मैंने आपकी ड्रेस चेंज कर दी थी। अब इतने में साक्षी मिस चाय के रेस्टोरेंट से इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लाई होती है। फेंग साक्षी से कहता है कि आइंदा अकेले कभी मेरे कमरे में मत आना। साक्षी बेचारी उसके पास आकर पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। फेंग उसको दूर हटाकर कहता है कि अपनी जगह पे बैठकर चुपचाप खाना खाओ। तब असिस्टेंट फेंग को बताता है कि आर्ट एग्जीबिशन का चीफ गेस्ट कल नशे में था और उसने सुबह की फ्लाइट मिस कर दी है। इस पर साक्षी और फेंग बहुत ही खुश होते हैं कि उनका प्लान कामयाब हो रहा है और खुशी के मारे साक्षी बहुत ही एक्स्ट्रा खाने लगती है। कुछ देर बाद साक्षी ली की एड्रेस पर फूड डिलीवर करती है। उसमें एक मैसेज होता है कि मेरे सबसे प्यारे दोस्त के लिए ये मेरा गिफ्ट है। अब मैसेज देखकर ली तुरंत साक्षी से मिलता है। साक्षी पूछती है कि क्या तुमने आर्ट एग्जीबिशन के लिए कोई स्पेशल ड्राइंग तैयार की है। अब ली कहता है कि मेरी स्पेशल ड्राइंग बीच में ही रखी हुई है। ये कहकर वो साक्षी को बीच में लेके जाता है और फिर साक्षी उसकी स्पेशल ड्राइंग खोलती है पर उसमें कुछ भी नहीं होता। साक्षी नाराज होती है कि ली ने आर्ट एग्जीबिशन के लिए कोई भी तैयारी नहीं की है। तो ली कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के काबिल हूँ। साक्षी फिर उसको समझाती है कि तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए, ये तुम्हारा गोल्डन चांस है और इसमें तुम अपनी बेहतरीन पेंटिंग्स दुनिया को दिखा सकते हो। तुम जी जान से तैयारी करो, मैं हमेशा तुमको सपोर्ट करूंगी, तुम लाइफ के पॉजिटिव्स को देखने की कोशिश करो। अब साक्षी की बातें सुनकर ली की हिम्मत बढ़ती है और वो कहता है कि अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो अपनी बेस्ट ड्राइंग बनाकर तुमको दिखाऊंगा। अब ली में अच्छा बदलाव देखकर साक्षी बहुत ही खुश होती है। अगले सीन में जियांग फेंग से मिलने आती है। फेंग जियांग का शुक्र अदा करता है क्योंकि उसने फेंग को चीफ गेस्ट का एड्रेस बताया था। फिर वो जियांग को मिस चाय के रेस्टोरेंट में लेके जाता है। फेंग को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर मिस चाय बहुत ही चिढ़ जाती है। वो साक्षी को डांटती है कि तुम अच्छे स्टाइलिश ड्रेस क्यों नहीं पहनती, वो देखो तुम्हारा फेंग किसी दूसरी लड़की के साथ हमारे रेस्टोरेंट में आ रहा है। अब साक्षी शौक होने की बजाय कहती है कि ये लड़की तो एकदम सुपर मॉडल लग रही है। फिर वो उन दोनों का स्वागत करती है और कहती है आप दोनों की जोड़ी खूब जच रही है। फिर वो उन्हें एक स्पेशल टेबल देती है और उन्हें रेस्टोरेंट की बेस्ट डिशेस सर्व करती है। अब फेंग कंफ्यूज होता है कि साक्षी जेलस फील क्यों नहीं कर रही है। फिर साक्षी हार्ट शेप का एक प्यारा सा केक काटती है और उसके दो टुकड़े करके दोनों को आधा आधा दे देती है। अब फेंग चिढ़कर कहता है कि मुझे ये केक बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके सर, अगर केक पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से गिफ्ट तो लेना ही पड़ेगा। ये कहकर वो जियांग और फेंग को दो डॉल्स देती है। अब उसका अजीब बिहेवियर देखकर फेंग को बड़ी टेंशन होने लगती है और वो एक डॉल पर गलती से ड्रिंक गिरा देता है। अब साक्षी गुस्से में कहती है कि ये आपने क्या किया मिस्टर फेंग, ये डॉल्स कपल्स के बीच के प्यार को बढ़ाते हैं पर आपने इस पर ड्रिंक गिरा दी। मेरे पास भी ऐसी दो डॉल्स थी लेकिन अब सिर्फ एक ही बची है। अब ऐसी बिना सर पैर की बातें सुनकर फेंग फिर कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं साक्षी ने अपनी एक डॉल ली को तो नहीं दे दी। अब वो साक्षी को डांटने लगता है कि तुम ली को डिस्टर्ब क्यों कर रही हो, उसे आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी करने दो। साक्षी को भी अब गुस्सा आ जाता है कि ली मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उससे मिलने से मुझको कोई नहीं रोक सकता और तुम मुझ पर चिल्लाना बंद करो। ये सुनकर फेंग गुस्से में रेस्टोरेंट की सारी डॉल्स खरीद लेता है। फिर साक्षी को जलाने के लिए वो सारे डॉल्स जियांग को गिफ्ट कर देता है लेकिन वो बिल्कुल भी जेलस फील नहीं करती। अगले सीन में जिया फेंग से मिलने आती है। देखो फेंग, एफ ग्रुप तुम्हारा नहीं मेरे बेटे ली का है, तुम उसकी जगह छीनकर सीईओ बन गए हो। फिर वो फेंग की स्वर्गवासी माँ की बात करती है और इस वजह से फेंग बहुत ही डिप्रेस्ड फील करता है। उसका असिस्टेंट उसको अकेले में कहता है कि आपकी स्टेप मॉम जानबूझकर आपका दिल दुखाना चाहती है, लेकिन फेंग को अपनी पोजीशन से ज्यादा ली के फ्यूचर की फिक्र होती है। वो किसी भी तरह आर्ट एग्जीबिशन के कॉन्ट्रैक्ट पर उस चीफ गेस्ट का साइन चाहता है। यहाँ ली आर्ट एग्जीबिशन के लिए एक ड्रॉइंग तैयार कर रहा होता है और साक्षी भी उसी के साथ होती है। तब फेंग ली को कॉल करता है। साक्षी फोन उठाती है क्योंकि ली अपने काम में बिजी होता है। फेंग उसे ली समझकर कहता है कि चीफ गेस्ट कुछ ही देर में यहाँ से जाने वाला है, उसके जाने से पहले तुम अपनी पेंटिंग्स और ड्राइंग उसको दिखाकर एक्सप्लेन करो, तभी तुम आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। साक्षी ली को बिना बताए बाइक में एयरपोर्ट के लिए निकलती है। अब बहुत देर बाद फेंग आकर ली से पूछता है कि तुम चीफ गेस्ट से मिलने क्यों नहीं गए। ली बताता है कि साक्षी ने फोन उठाया था और वो मुझको बिना बताए कहीं चली गई है। वो गैस करते हैं कि साक्षी एयरपोर्ट पक्का गई होगी। अब ये दोनों भाई भी एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। यहाँ साक्षी अपनी मैजिक पावर से टाइम को फ्रीज करती है। फिर वो ऐसी सेटिंग करती है जैसे चीफ गेस्ट की कार से उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया हो। फिर वो सब कुछ नॉर्मल कर देती है।
अब चीफ गेस्ट घबरा जाता है कि उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया है। साक्षी बहुत देर बेहोशी की एक्टिंग कर रही होती है। इतने में फैंक और ली वहां पर पहुंच जाते हैं और साक्षी को हॉस्पिटल ले जाने की बात करने लगते हैं। तभी साक्षी अचानक उठकर कहती है कि हॉस्पिटल जाए मेरे दुश्मन, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फैंक साक्षी को वहां से लेके जाता है। इसी बीच ली चीफ गेस्ट को अपने ड्राइंग्स दिखाता है, जिनको देखकर वो बहुत ही इंप्रेस होता है। फिर वो ली को आर्ट एग्जीबिशन के लिए रिकमेंड करने के लिए तैयार भी हो जाता है। यहाँ फैंक साक्षी से पूछता है कि तुम ये सब करके मुझे इंप्रेस करना चाहती हो या फिर ली को? वो कहती है कि मैं किसी को इंप्रेस नहीं करना चाहती, मुझे तुम दोनों की मदद करना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह जान पर खेलकर मदद करना बेवकूफी है साक्षी, आगे से ऐसा कभी मत करना वरना मुझको बहुत ही गुस्सा आ जाएगा। फिर तीनों वहां से निकलते हैं। रास्ते भर ली और साक्षी अपनी बातें बंद ही नहीं करते। ली कहता है कि तुमने मेरे खातिर इतना बड़ा रिस्क लिया, इसके लिए थैंक यू। अगर तुम ना होती तो मैं जरूर हिम्मत खो देता। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। अब इनकी फ्रेंडशिप को देखकर फैंक को बड़ी चिढ़न होने लगती है और वो ली को दूसरी कार में भेज देता है। अब उसकी कार में फैंक और साक्षी अकेले होते हैं। फिर मौका पाकर फैंक साक्षी को आखिरकार प्रपोज कर ही देता है। साक्षी तुम मुझको बहुत ही अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनकर साक्षी शॉक होकर कहती है कि मैं कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी और मुझसे कभी ऐसी बात भी मत करना, समझे? ये कहकर वो अपने रेस्टोरेंट में उतर जाती है और बिना कुछ कहे तुरंत अंदर चली जाती है। वो मिस चाय से कहती है कि आज फैंग ने मुझे प्रपोज कर दिया है, लेकिन मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे पागल लड़की, फैंग जैसा अमीर आदमी तुम्हें प्रपोज कर रहा है, तुम्हें तो तुरंत हाँ कर देनी चाहिए थी। लेकिन साक्षी को फैंग की पोजीशन और बैंक बैलेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर फैंक रात भर साक्षी के ख्यालों में खोया होता है। अगली सुबह ऑफिस में भी वो अपने फोन पर साक्षी के मैसेज या कॉल का इंतजार कर रहा होता है। वो अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता। फिर वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि मैंने साक्षी को प्रपोज कर दिया है। इसी बीच रिसर्च लैब से मैसेज आता है कि वो ब्लू क्रिस्टल जो एक्सीडेंट स्पॉट पर मिला था वो आउटर स्पेस की कोई धातु है। लैब में अब भी उस पर कई टेस्ट किए जा रहे हैं और एक टेस्ट के दौरान क्रिस्टल चमकने भी लगता है। यहाँ साक्षी को रेस्टोरेंट के आसपास सिग्नल मिलता है और वो उसको फॉलो करती है, पर ये सिग्नल उसके अनंत सेटर का नहीं बल्कि उस ब्लू क्रिस्टल का है जो उसके खून से बना था। इसी बीच फैंग वहाँ पर आता है और साक्षी से पूछता है कि तुम यहाँ सड़क के बीच में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें प्रपोज किया था लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। पर साक्षी कोई बहाना करके वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद साक्षी ट्रेस कर लेती है कि उसे फैंक के ऑफिस से ही सिग्नल मिल रहा है। वो सीधे ऑफिस के अंदर जाती है और रिसर्च लैब का डोर खोलने की कोशिश करती है, पर उसकी हर कोशिश बेकार हो जाती है और उसे घर लौटना पड़ता है। यहाँ टॉरी पूछता है तो साक्षी कहती है हमारा अनंसेटर फैंक की रिसर्च लैब में है लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकी। तब समझदार टॉरी कहता है कि ये तो बहुत ही आसान काम है, लैब के अंदर जाने के लिए तुम्हें एक्सेस कार्ड की जरूरत है, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड ली से मदद क्यों नहीं मांगती? साक्षी को यह आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो ली से मदद मांगती है। साक्षी ने आज तक ली की बहुत ही मदद की होती है, इसलिए वो तुरंत राजी भी हो जाता है। वो अपना एक्सेस कार्ड यूज करके साक्षी को लैब के अंदर लेके जाता है। अब बहुत ढूंढने के बाद साक्षी को ब्लू क्रिस्टल मिल जाता है जिससे वो अपना अनंसेटर समझती है। वो उसको निकालने वाली होती है कि सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और दोनों पकड़े जाते हैं। अब फैंक दोनों को डांटता है कि मेरी परमिशन के बिना तुम दोनों अंदर कैसे आए। साक्षी कहती है कि तुम मुझे डांट लो लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड ली को कुछ मत कहो। ली कहता है कि साक्षी की गलती नहीं है। अब फैंक गुस्से में ली पर चिल्लाता है कि तुम जाकर अपनी ड्राइंग्स पर कंसंट्रेट करो और आइंदा यहां मत आना। फिर वो साक्षी से पूछता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती। साक्षी कहती है मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब फैंक अपने असिस्टेंट से कहता है कि साक्षी मुझको पसंद क्यों नहीं कर रही है, उसे इंप्रेस करने का कोई आइडिया बताओ यार। असिस्टेंट उसकी क्लास लेता है कि आज से आप लव स्टोरीज पढ़ना शुरू कर दीजिए और हमेशा मेलोडी सॉन्ग सुनिए, फिर साक्षी से प्यार की बात कीजिए। अब फैंक लव स्टोरीज पढ़ना शुरू करता है और घर की हर चीज को साक्षी समझकर उससे बातें करने लगता है। फिर अगली सुबह वो रेस्टोरेंट में जाकर बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में साक्षी को डेट पर बुलाता है लेकिन वो काम का बहाना करके उसको मना कर देती है। बेचारा फैंग उदास होकर वहां से चला जाता है। फिर कार में बैठकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैंने वही किया जो तुमने कहा था लेकिन मेरी सॉफ्ट वॉइस का साक्षी पर कोई भी असर नहीं पड़ा, उसने इनकार कर दिया यार और मुझको इंसल्ट भी किया। सर मेरा मेथड कभी फेल नहीं हो सकता, जरूर आपने कुछ गलत कह दिया होगा। फैंग गुस्सा होता है कि अब से मुझे तुम्हारे आइडिया की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। कुछ देर बाद साक्षी फैंक का दिया हुआ गुलदस्ता देखती है। वो फैंक को पसंद तो करती है लेकिन वो सोचती है कि मैं उसको बताऊं कैसे कि मैं इस प्लेनेट की नहीं हूँ, मैं एक एलियन हूँ। इतने में ली आकर साक्षी को अपने ड्राइंग्स दिखाता है। तब साक्षी को फैंक के ऑफिस में 1000 कॉफीज डिलीवर करने का ऑर्डर मिलता है। 1000 कॉफीज बनाने में तो घंटों लग जाएंगे, ये सोचकर वो ली से भी काम करवाती है। फिर बड़ी मुश्किल से दोनों मिलकर सिर्फ 500 कॉफीज ही बना पाते हैं। यहाँ फैंक अपने असिस्टेंट से कहता है कि कुछ ही देर में साक्षी कॉफी डिलीवर करने यहाँ पर आएगी, इस तरह मैं रोज फूड ऑर्डर करता रहूंगा और साक्षी को यहाँ पर आना ही पड़ेगा, मैं किसी भी तरह उसको इम्प्रेस जरूर करूंगा। कुछ देर में साक्षी ऑर्डर लेकर आती है और आखिरकार कॉफी फैंक को देकर कहती है मैं सिर्फ 500 कॉफीज ही बना पाई हूँ, मैं बाकी के पैसे रिफंड कर दूंगी। ये कहकर वो जाने लगती है लेकिन फैंक उसको रोक कर कहता है कि मैंने तुमसे मिलने के लिए कॉफी ऑर्डर की थी, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर
रही हो, एक बात बताओ तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती? अब साक्षी कहती है कि मैं एक चीज की तलाश में हूँ और जैसे ही वो मुझको मिल जाएगी मैं कहीं और चले जाऊंगी, फिर मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। ये कहकर वो चले जाती है। अब फैंग अपने पर्सनल डॉक्टर से मिलता है और कहता है, आपने कहा था कि साक्षी मेरी बीमारी का इलाज है, पर लगता है वो मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, आप प्लीज मुझे हाई डोसेज वाली दवा दे दीजिए। फिर वो फैंग को एडवाइस देता है कि जल्दबाजी मत करो वरना तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। अब इन दोनों को बातें करते हुए जिया का भाई जॉश देख लेता है और वो इनकी फोटो क्लिक करता है। वो जिया को बता देता है कि फैंग की दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन उसने ये बात हम सब से छुपा रखी है। फैंग का असिस्टेंट साक्षी को पेनेटेरियम का टिकट देता है और कहता है ये मिस्टर फैंग ने आपके लिए भेजा है। फिर वो फैंग के अमनीजिया के बारे में साक्षी को बताता है और कहता है कि उनकी बीमारी का इलाज सिर्फ तुम ही कर सकती हो, इसलिए उनसे हमेशा अच्छी बातें किया करो, तभी वो ठीक हो सकते हैं। अगले दिन साक्षी प्लेनेटेरियम में जाती है तो उसको फैंग के साथ बिताए हर पल याद आने लगते हैं। उसको बुरा लगता है कि उसने फैंग का दिल दुखाया। वो तुरंत फैंग के ऑफिस जाती है। वहाँ जिया फैंग के पापा को बताती है कि फैंग एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर रहा है, लेकिन उसने हम सबसे ये बात छुपाई है। इतने में साक्षी वहां पर पहुंच जाती है और कहती है कि आप मिस्टर फैंग को गलत समझ रहे हैं, दरअसल वो मेरे साइकेट्रिस्ट हैं और मिस्टर फैंग मेरी दवाइयां लेने उनके पास गए थे। वे साक्षी से पूछते हैं कि तुम कौन हो? अब वो सबके सामने कहती है कि मैं फैंग की गर्लफ्रेंड हूँ। अब फैंग एकदम चौंकी जाता है, फिर जरा संभल कर कहता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसी की मेडिसिन लेने में साइकेट्रिस्ट के पास गया था। अब जिया का प्लान फिर से इस तरह फ्लॉप हो गया होता है। फैंग के पापा कहते हैं कि जब तक मैं ना कहूं तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मीडिया से बचा कर रखना वरना मेरी कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। अगले सीन में फैंग साक्षी से कहता है कि तुमने अचानक ऐसा क्यों कहा, कल तो तुम मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी, अगर तुम्हें पैसे प्रॉपर्टी कुछ भी चाहिए तो मुझको बता दो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, पर मुझसे झूठा प्यार मत करना प्लीज। अब वो कहती है कि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी या पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए झूठ कह दिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। देखो साक्षी, तुमने मेरे पापा के सामने कह दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए अब तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड की तरह ही रहना पड़ेगा। ये कहकर वो साक्षी को शॉपिंग मॉल में लेके जाता है और उसकी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर देता है। फैंग कहता है कि मुझे सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, जब मेरा एमनीजिया ठीक हो जाएगा तो तुम अपनी मर्जी से रह सकती हो। फिर वो साक्षी को उसके घर ड्रॉप करके चला जाता है। घर जाकर साक्षी टॉरिक को बताती है कि जैसे ही मुझे मेरा अनसेटर मिल जाएगा मैं धरती छोड़कर चली जाऊंगी, फिर मुझे फैंग की गर्लफ्रेंड बनने की क्या जरूरत थी। टॉरिक कहता है कि फैंग की गर्लफ्रेंड बनकर तुमने बिल्कुल ठीक किया, अब तुम फैंग से उसके ऑफिस में कोई भी जॉब मांगो फिर तुम्हें भी एक एक्सेस कार्ड मिल जाएगा और तुम आसानी से रिसर्च लैब में जाकर अपना अनसेटर निकाल सकती हो, फिर हम दोनों यहाँ से आराम से अपने प्लेनेट में चले जाएंगे। वाह यार टॉरी, तुम्हारा दिमाग तो इंसानों से भी तेज है। अगले दिन साक्षी फैंग से मिलने जाती है। फैंग उसे अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताता है। फिर वो साक्षी से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। अब साक्षी झट से कह देती है कि मैं एक ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ, मैं बचपन से अकेली रहती हूँ। ये सुनकर फैंग को बहुत दुख होता है और कहता है कि अब तुम अकेली नहीं हो। अगले सीन में ली जियांग को बताता है कि फैंग को साक्षी से प्यार है, इसीलिए तुम फैंग की लाइफ में आने की कोशिश मत करो। इस पर जियांग गुस्से में बाहर चली जाती है और फैंग के ऑफिस में कॉल करती है, लेकिन ऑफिस स्टाफ बताते हैं कि फैंग अपने पर्सनल काम से बाहर गया हुआ है, और ये सुनकर जियांग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फैंग साक्षी को अपनी फैमिली से मिलवाने घर लाया होता है, पर जिया उसको रोक कर कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी जाओ और उनसे मिल लो, मैं साक्षी का ध्यान रखूंगी। अब फैंग के पापा उस पर चिल्लाते हैं कि तुम एक फूड डिलीवरी करने वाली लड़की से प्यार करते हो, क्या तुम हमारी फैमिली का स्टेटस भूल गए? तुम एक लड़की के साथ घूम फिर लो, इससे मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं जिस लड़की से तुम्हारी शादी तय करूंगा उसी से तुम्हें शादी करनी होगी, समझे? वरना मेरी कंपनी और प्रॉपर्टी से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये कहकर वो फैंग को बाहर भेज देते हैं। यहाँ जिया गुस्से में होती है कि फैंग के खिलाफ उसके सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं। अब वो साक्षी के कान भरने लगती है कि फैंग के साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। उसे बहुत ही गुस्सा आता है और हमेशा टेंशन में रहता है, पर साक्षी कहती है कि मैं फैंग को हैंडल करना जानती हूँ, इसलिए मेरी लाइफ की चिंता मत कीजिए, और इसे जिया छिटकर चली जाती है। फिर फैंग साक्षी को बताता है कि मेरे पापा हम दोनों की रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते हैं। साक्षी कहती है कि तुम्हारे पापा ठीक है तो कहते हैं, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम दोनों अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। फिर वो फैंग के दिए हुए हाई हील्स शूज पहनकर चलने लगती है, हालांकि वो चल नहीं पाती, उसके पैर में चोट भी आई होती है, इसलिए फैंग उसको उठा लेता है। फिर मौका पाकर साक्षी अपनी नौकरी की बात करती है। फैंग कहता है कि तुम कल मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं तुम्हें जॉब जरूर दूंगा। अगली सुबह साक्षी फैंग के ऑफिस पहुंचती है और उसका असिस्टेंट साक्षी को उसकी जॉब एक्सप्लेन करता है। कुछ ही देर में फैंग अंदर आता है, उसको देखते ही साक्षी उसके हार्मोन सेंस करने लगती है और जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। साक्षी को अपने ऑफिस में देखकर फैंग बहुत ही खुश होता है कि साक्षी हमेशा उसकी आंखों के सामने रहेगी अब। और ब्रेक टाइम में वो रेस्ट रूम में जाती है और खुद को डांटती है, अगर इस तरह में फैंग के हार्मोन को सेंस करती रही तो अपना काम नहीं कर पाऊंगी। ये सोचकर वो अपनी नाक में रुई रख लेती है और इसी अवतार में वो ऑफिस भर घूमने लगती है। फैंग पूछता है तो वो बताती है कि मुझे जुकाम है इसलिए मैंने नाक में रुई रखी हुई है। फैंग कहता है कि आज से तुम मेरी सेक्रेटरी हो और हमेशा मेरे साथ ही रहोगी।
साक्षी कहती है कि तुम मुझे कुछ भी काम दे सकते हो। वैसे बचपन से मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं रिसर्च लैब का काम भी सीखना चाहती हूँ। फिर फैंग उसकी बात मान लेता है। दरअसल साक्षी अपना आंसर ढूंढने के लिए रिसर्च लैब में जॉब पाना चाहती है। फिर दोनों लंच करने जाते हैं। रेस्टोरेंट में फैंग साक्षी को खाना खिलाता है। जब दोनों बाहर आते हैं तो जियांग आ जाती है। वो पूछती है कि ये रेस्टोरेंट की वेटरेस तुम्हारे साथ क्या कर रही है। फैंग बताता है कि अब ये मेरी सेक्रेटरी है। ये कहकर वो जाने लगता है, पर जियांग उसको रोककर फैंग की कार में लिफ्ट मांगती है। रास्ते भर वो फैंग से यही पूछती है कि क्या सच में तुम मुझे भूल गए, तुम्हारे पेरेंट्स मुझको बहुत ही पसंद करते हैं लेकिन तुम हो कि मुझे भूल ही गए। फैंग कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और प्लीज आइंदा इस बारे में मुझसे बात मत करना। ये कहकर वो मिरर में पीछे देखता है कि साक्षी क्या कर रही है। फिर साक्षी को उसके घर ड्रॉप करने के बाद फैंग जियांग से कहता है कि अगर मेरी बात से तुमको दुख पहुंचा हो तो मुझको माफ कर देना। मेरी स्टेप मॉम और पापा ने तुम्हें जो सपने दिखाए हैं वो कभी सच नहीं होंगे क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ याद नहीं है, इसलिए तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो चला जाता है और साक्षी को कॉल करता है, पर वो फोन ही नहीं उठाती। फैंग साक्षी के लिए जुकाम की दवाई लेकर उसके घर चला जाता है। एक बार नॉक करते ही साक्षी डोर खोलती है। फैंग कहता है कि तुम यहाँ अकेली रहती हो और तुमने बिना कुछ पूछे तुरंत दरवाजा खोल दिया, तुम्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। ये कहकर वो साक्षी को मेडिसिन देता है। अब साक्षी सोचती है कि ये इंसानों की दवा है, इससे मेरे जैसे एलन को साइड इफेक्ट हो सकता है। फिर फैंग उससे पानी मांगता है और वो फैंग के लिए पानी लाती है। यार पानी मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए मांगा था, टैबलेट खाओ और पानी पी लो। ये कहकर वो साक्षी के मुंह में एक टैबलेट देता है। अब साक्षी टैबलेट को मुंह में तो रख देती है, फिर साक्षी टैबलेट को मुंह में रखकर खड़ी रहती है। अब फैंग जाते जाते उसको दरवाजा ठीक से लॉक करने को भी कहता है और उसके जाते ही साक्षी टैबलेट को थूक देती है। अगली सुबह साक्षी ऑफिस में काम कर रही होती है। फैंग के हार्मोन से अट्रैक्ट न होने के लिए वो अपने चारों ओर परफ्यूम स्प्रे कर रही होती है और उसकी हरकतें देखकर फैंग को हंसी आ जाती है। उसका असिस्टेंट कहता है कि जब से साक्षी ने यहाँ ज्वाइन किया है आप बहुत ही खुश नजर आते हैं। फिर असिस्टेंट उसको रिसर्च की एक बुक देता है। फैंग साक्षी को बुक देता है क्योंकि वो रिसर्च लैब का काम करना चाहती है। अब साक्षी बहुत ही खुश हो जाती है कि अब वो रिसर्च लैब के अंदर जा सकेगी। बुक में उस ब्लू क्रिस्टल की रिसर्च के बारे में लिखा होता है। लैब के अंदर जाते ही एक साइंटिस्ट साक्षी को रोकता है और पूछता है कि आप कौन है। वो बताती है कि मैं मिस्टर फैंग की सेक्रेटरी हूँ और उन्होंने ही ये बुक आपको देने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे उस ब्लू क्रिस्टल की रिसर्च करने के लिए भी कहा था। फिर साइंटिस्ट उसकी बात को सच मानकर एक्सप्लेन करने लगता है। इसी बीच साक्षी अपना अनसेटर निकालना चाहती है पर वहाँ सीसीटीवी कैमरा होता है और साक्षी अपनी मैजिक पावर से उसको ऑफ करने की कोशिश करती है पर बात नहीं बनती। लेकिन साक्षी सोचती है कि अनसेटर हाथ लगते ही वो अपने प्लेनेट चली जाएगी, फिर सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोचकर वो ब्लू क्रिस्टल को उठा लेती है और साइंटिस्ट को पता भी नहीं चलता। अब फैंग साक्षी को जबरदस्ती लेके आर्ट एग्जीबिशन में लेके जाता है और अब साक्षी क्रिस्टल को कहीं छुपाना चाहती है क्योंकि अगर वो खो गया तो साक्षी अपने प्लेनेट वापस नहीं जा पाएगी, इसलिए वो बाहर जाने की परमिशन मांगती रहती है। लेकिन फैंग है कि उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और कहीं जाने ही नहीं देता। तभी जियांग आती है और फैंग से कहती है कि कल रात तुमने जो बात कही मैं उसको समझ सकती हूँ, आइंदा मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। ये कहकर वो जाने लगती है पर फैंग कहता है कि हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, इस तरह मुंह मोड़कर जाना ठीक नहीं। इस तरह दोनों में सुलह हो जाती है। अब इनकी बातों के बीच ही साक्षी उस ब्लू क्रिस्टल को कहीं छुपाने की कोशिश करती रहती है। इतने में ली आ जाता है और कहता है तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ और तुम हमेशा मेरे भाई के साथ ही रहना क्योंकि वो तुम्हारे साथ बहुत ही खुश है। तभी रिसर्च लैब का साइंटिस्ट वहाँ पर आता है और फैंग को बताता है कि ब्लू क्रिस्टल गायब हो गया है और मुझे साक्षी पर शक है क्योंकि उसके जाने के बाद से ही वो क्रिस्टल गायब है। अब फैंग साक्षी से कहता है कि अगर तुमने गलती से लैब से कुछ उठा लिया हो तो वो तुरंत मुझको दे दो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। साक्षी उसके पास जाती है और क्रिस्टल उसके कोट पॉकेट में डाल देती है। फिर कहती है कि मैंने कुछ नहीं उठाया, अगर आपको अभी मुझ पर शक है तो चेक कर लीजिए। वे चेक करते हैं तो साक्षी के पास क्रिस्टल नहीं होता। फिर साक्षी अपनी चीजें लेकर एक कमरे में चली जाती है। अब फैंग साइंटिस्ट को डांट कर साक्षी को मनाने के लिए चला जाता है। साक्षी वहाँ चैन की सांस लेती है कि चलो भाई जान बची। फैंग साक्षी के पास जाकर कहता है मुझे माफ कर दो, मैं सबके सामने प्रूव करना चाहता था कि तुमने लैब से कुछ नहीं चुराया है, मुझे कभी तुम पर शक नहीं होगा। अब साक्षी फैंग के पॉकेट से क्रिस्टल निकालने के लिए उसके बहुत ही करीब जाती है। फैंग उसको किस करने जाता है लेकिन रुक जाता है और कहता है तुम्हें जुकाम है ना, यहाँ बहुत ही ठंड है, लो मेरा कोट पहन लो। इस तरह अपना कोट देकर वो चला जाता है। साक्षी कोट से क्रिस्टल निकाल लेती है और एक गमले के नीचे छुपा देती है। यहाँ फैंग के पापा को जिया की काली करतूतों का पता चल जाता है। वो जिया को डांटते हैं कि तुम लेगो कंपनी का मालिक बनाने के लिए फैंग की जासूसी कर रही हो, उसकी और मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रही हो। ली को सिर्फ पेंटिंग और ड्राइंग में इंटरेस्ट है, वो कभी किसी कंपनी का सीईओ नहीं बनेगा, तुम उसे टॉर्चर मत करो और कंपनी के मामलों में दखल देना बंद कर दो। इस तरह डांट कर चले जाते हैं। अब जिया गुस्से में जॉश को कॉल करती है और कहती है तुम किसी तरह उस आर्ट एग्जीबिशन को रोक दो, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बिजनेस करे ना कि पेंटिंग ब्रश लेकर घूमता रहे। अब जॉश आर्ट एग्जीबिशन में आग लगाने के इरादे से वहां पर जाता है और ली से कहता है कि तुम्हारी माँ अचानक बीमार पड़ गई है, वो तुमको देखना चाहती है। ये सुनकर ली से रहा नहीं जाता और वो तुरंत एग्जीबिशन छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर साक्षी बहुत ही खुश है कि उसको अनसेटर मिल गया है और दुखी भी है क्योंकि आज धरती पर उसका आखिरी दिन होगा।
पर सच में वो अनसेटर नहीं सिर्फ एक ब्लू क्रिस्टल है। उसके जरिए साक्षी अपने प्लेनेट को सिग्नल भी नहीं भेज सकती। तब साक्षी को कुछ जलने की बू आती है। वो हर तरफ सुनकर पता लगाने की कोशिश करती है कि ये बू कहां से आ रही है। फ्रैंकी तो समझ में नहीं आता कि ये कर क्या रही है। फिर फायर अलार्म बजने लगता है और वहां पर कई जगहों पर आग लग जाती है। सब बाहर भागने लगते हैं। फ्रैंक और साक्षी ये नहीं जानते कि ली पहले से ही बाहर जा चुका है। साक्षी ली को हर तरफ ढूंढने लगती है। तब जलती हुई कोई चीज उस पर गिरती है और वो बेहोश हो जाती है। उसके हाथ में चोट भी आती है और उसका खून निकलता है। फिर जमीन पर गिरते हुए वो ब्लू क्रिस्टल बन जाता है। इतने में फ्रैंक उसको उठाकर बाहर भागता है और एम्बुलेंस के आने से पहले ही साक्षी का फर्स्ट एड शुरू करता है। यहाँ ली टेंशन में घर पहुंचता है तो उसकी माँ बीमार होने का नाटक करती है। वो बताती है कि तुम्हारे पापा तुमको नालायक समझते हैं और अपनी कंपनी तुमको सौंपना नहीं चाहते हैं। इस बात में मेरा उनसे झगड़ा हो गया, इसलिए मैं बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ। ये सुनकर ली बहुत ही खुश होता है कि मुझे पापा के मुंह से यही सुना था, अब मैं चैन से ड्राइंग कर सकूंगा और एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकूंगा। अब उसकी माँ चिढ़कर कहती है कि तुम आर्टिस्ट कभी नहीं बनोगे क्योंकि मैंने एग्जीबिशन में आग लगवा दी है, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। ली को उसकी माँ की कोई भी बात ठीक नहीं लगती और वो बाहर चला जाता है। तब उसको कोई कॉल करके बताता है कि फायर एक्सीडेंट में साक्षी घायल हो गई है और उसे फैंग हॉस्पिटल लेके गया है। अब ली तुरंत साक्षी को देखने के लिए भागता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वेब सीरीज अच्छी लग रही हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।